एक ओवर में 5 छक्के लगाकर टीम इंडिया की अब उड़ान भरने को तैयार है ये तूफानी खिलाड़ी। अब T20 सीरीज में दिखेगा इस खिलाड़ी का तूफान। क्रिकेट अनिश्चितताओं और चौंकाने वाले पलों का खेल है। कोई भी इस खेल में विलन बन सकता है और कोई भी हीरो। अगर किसी को इस पर यकीन ना हो तो वो हरियाणा के क्रिकेटर राहुल तेवतिया के बारे में जानकारी जुटा सकता है। ये वो क्रिकेटर है जिसने कुछ ही महीनों पहले एक बेहद अनोखी पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा और अब वो टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने को तैयार है। बीसीसीआई ने 20 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। 12 मार्च से शुरू होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया में 19 सदस्यों को जगह मिली है। टीम में ज्यादातर चेहरे वही हैं जो काफी वक्त से इसका हिस्सा हैं। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है जबकि कुछ चोट के कारण इसका हिस्सा नहीं बन पाए। सिर्फ 3 नए नाम इसमें शामिल हैं जिसमें एक है राहुल तेवतिया। ये नाम सिर्फ टीम इंडिया के आधिकारिक स्क्वाड की लिस्ट के हिसाब से नए हैं, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए पिछले कुछ महीनों में इन नामों ने पहचान बनाई है। कभी हार न मानने की पहचान, आखिरी गेंद तक अपनी क्षमता पर भरोसा रखने वाली पहचान। 27 दिसंबर 2020 को शारजाह में एक साथ कई तूफान आए। पहले मयंक अग्रवाल ने 105, केएल राहुल 69 की आंधी जिसमें निकोलस पूरण पर 8 गेंदों में 25 रन ने भी योगदान दिया। फिर संजू सैमसन 85 का कहर जिसमें स्टीव स्मिथ 50 की भी कुछ ताकत थी, लेकिन असली धमाका किया राहुल तेवतिया ने। 224 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.1 ओवर में 161 रनों पर संजू सैमसन का विकेट गवा दिया था। टीम को 23 गेंदों में 63 रनों की दरकार थी। क्रिस पर तेवतिया थे जो पहले ही कई गेंद खेल चुके थे। ऐसे मैच में उनके बल्ले से 18-19 गेंदों में सिर्फ 8-9 रन आए थे। वो विलेन बनते जा रहे थे लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था। फिर आया 18 ओवर जिसमें सब बदल गया, मैच बदल गया, दर्शकों का मूड बदल गया, तेवतिया का रुतबा बदल गया, किस्मत बदल गई और खुल गया टीम इंडिया का दरवाजा। तेवतिया ने शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के ठोक डाले। मैदान के लगभग हर हिस्से में गेंद दर्शक वाले स्टैंड में पहुंच गई। तेवतिया ने इसके बाद भी टूर्नामेंट में कुछ तेज और अहम पारी खेली, लेकिन तेवतिया की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं, वो एक अच्छे फील्डर भी हैं और साथ ही किफायती स्पिनर भी, और अब वो टीम इंडिया का हिस्सा है। अब देखना होगा इंग्लैंड के खिलाफ उनका पल्ला कैसा चलता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।